राजस्थान में आज 68 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए। झालावाड़ में 23, भरतपुर की अगर बात करें यहां 20, जयपुर में 16, बारा में 4, कोटा में 2, सवाई माधोपुर में 1 और बाहरी राज्यों के 2 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव की जो संख्या है वो इसी के साथ 9930 हो चुकी है। कोरोना से अब तक 213 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। लगातार कोरोना के जो आंकड़े हैं वो राजस्थान में बढ़ते जा रहे हैं। 213 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं कोरोना के चलते और आज 68 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए। झालावाड़ में अधिक यानी कि 23 यहां पर मिले, 12 की अगर बात करें 4, कोटा में 2, सवाई माधोपुर में 1 और बाहरी राज्यों के 2 कोरोना पॉजिटिव मिले। लगातार जो कोरोना संक्रमण का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है, संख्या में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। 68 नए कोरोना पॉजिटिव आज सामने आए, 213 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं कोरोना की चपेट में आकर। बाहरी राज्यों के भी 2 कोरोना पॉजिटिव मिले और जो संख्या है वो बढ़कर 9930 हो चुकी है। लगातार अपडेट हम आपको दे रहे हैं। आज राजस्थान में 68 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए। झालावाड़ में सबसे अधिक यानी कि 23, भरतपुर में 20, जयपुर की अगर बात करें 16, 12 में 4, कोटा में 2, सवाई माधोपुर में 1 और बाहरी राज्यों के 2 कोरोना पॉजिटिव मिले। कोरोना पॉजिटिव की संख्या राजस्थान में इसी के साथ 9930 और अब तक 213 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया है। हालांकि तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं, इलाज जो है वो लगातार जारी है, लेकिन ये आंकड़े यहां पर बढ़ते हुए 9930 हो चुके हैं और 213 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं कोरोना की चपेट में आकर के। खुद सूबे के मुख्यमंत्री लगातार फीडबैक ले रहे हैं, तमाम अधिकारियों से जो जो व्यवस्थाएं और करने की जरूरत है उन पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है, तमाम तरह की जो एहतियात हैं वो बढ़ती जा रही हैं। और इस बीच ये संख्या जो है इसमें लगातार इजाफा हो रहा है, 213 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं कोरोना की चपेट में आकर अब तक। आज झालावाड़ में सबसे अधिक यानी कि 23 कोरोना पॉजिटिव पाए गए, बाहरी राज्यों से 2 कोरोना पॉजिटिव पाए गए और इसी के साथ 9930 ये आंकड़े हो चुके हैं। अब तक 213 लोग कोरोना की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। लगातार कोरोना के जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तमाम एहतियात बढ़ती जा रही है, साथ ही कोरोना संक्रमित जो भी मरीज हैं उन्हें आरयूएचएस में शिफ्ट कर दिया गया है और एसएमएस में बाकी ओपीडीज जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं ताकि बाकी जो पेशेंट्स हैं उन्हें इलाज मिल सके प्रॉपर। तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं, लेकिन ये जो आंकड़ा है वो इस बीच लगातार बढ़ते हुए 9930 हो चुका है कोरोना संक्रमित मरीजों का जो आंकड़ा है वो। बाहरी राज्यों के आज 2 कोरोना पॉजिटिव मिले और अब तक 213 लोग कोरोना की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। भरतपुर से हमारे संवाददाता राजेंद्र शर्मा जति हमारे साथ फिलहाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेंद्र बताएं क्या अपडेट, देखिए लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। जी मनीष, मैं बताना चाहूंगा कि भरतपुर में कोरोना का कहर अभी जारी है, डेली केसेज आ रहे हैं, लेकिन 7 दिन में जितनी केसों की संख्या बढ़ी है उसने तो एक तरह से कोहराम मचा के रख दिया है। बिल्कुल, कल रात तक भरतपुर में जो कुल पॉजिटिव आंकड़ा था मरीजों का वो 510 था, रात को 9 केसेज और मिले थे जी। लेकिन आज जो स्टेट की जो लिस्ट आई है उसमें 524 जिले में कुल पॉजिटिव हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज भरतपुर जिले में जो अपना मेडिकल कॉलेज है वहां से डेली 3-4 बार बुलेटिन आते थे, लेकिन आज सुबह से अभी तक अपना स्थानीय कोई बुलेटिन जारी नहीं हुआ है, जिसकी वजह से एक्चुअल जो संख्या है आज अभी पता नहीं लग सका है। लेकिन यहाँ के बुलेटिन जारी होने के बाद कई बार संशोधन भी होते हैं जिसकी वजह से लोगों में कंफ्यूजन भी होता है। कोतवाली पुलिस के एक सिपाही को मतलब पॉजिटिव बता दिया था, बाद में बताया कि आपका निगेटिव है, इस नाम का व्यक्ति कोई कामा में है वो निकला है जी। और कई बार रिपीट भी हो रहा है, तो इस तरह की कुछ गलतफहमियां चल रही इस मामले को लेकर। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने भी इसे जांच पर आरोप लगाए थे
लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी भी महाकर्फ्यू शहर में जारी है, पूरा बाजार बंद है, पुलिस में लोगों पे आवागमन पर रोक लगाई है और आने जाने वालों पर सख्ती हुई है, जिसकी वजह से आज देखो क्या हालात रहते हैं अभी पता लगेगा। बिल्कुल राजेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आपको बता दें लगातार ये आंकड़े जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। भरतपुर से अभी आपने अपडेट सुनी, हमारे संवाददाता ने बताया कि किस प्रकार से वहां लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, नए आंकड़े रोज सामने आ रहे हैं और अब तक 213 मरीजों ने दम तोड़ दिया है कोरोना की चपेट में आकर। लगातार जो ये आंकड़े हैं इनमें बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। आज 68 नए कोरोना पॉजिटिव प्रदेश में सामने आए। झालावाड़ की अगर बात करें यहाँ पर 23 यानी कि सबसे अधिक जो कोरोना पॉजिटिव हैं वो यहाँ से सामने आए। बाहरी राज्यों के भी 2 कोरोना पॉजिटिव सामने आए। लगातार जो मौत का आंकड़ा है वो भी बढ़ता जा रहा है। कोरोना को हराना है ये संकल्प सभी का है और ऐसे में सभी अपना काम मुस्तैदी से कर रहे हैं, फिर चाहे वो प्रशासन हो या फिर चिकित्सा कर्मी हो, जो हर चुनौती को लेकर से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एसएमएस में जो भी कोरोना संक्रमित मरीज थे उन्हें आरयूएचएस शिफ्ट कर दिया गया है और बाकी जो ओपीडीज की सुविधा है वो शुरू हो चुकी है ताकि बाकी जो पेशेंट्स हैं उनको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, उनको इस चीज का खामियाजा ना भुगतना पड़े। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार तमाम अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं। और अधिक अपडेट के लिए सवाई माधोपुर से हमारे संवाददाता लोकेश अटवाल फिलहाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी लोकेश, बताएं क्या अपडेट। लोकेश, क्या अपडेट सवाई माधोपुर से? जी मनीषा, बताना चाहूंगा कि जैसा कि कोरोना के तहत जो अभी जिले में हालात हैं, जैसा कि सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी में सर्वप्रथम कोरोना के जो पेशेंट सामने आए और वहां से 3 लोगों की मौत होना भी सामने आया। उसके बाद जो मेडिकल टीम लगातार यहां सर्वे कर रही है और यहां पे जो सैंपलिंग का कार्य भी लगातार जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं उच्च स्तर पे और इस कार्य में अगर जो मेडिकल टीम है जो गति प्रदान करे और जिला प्रशासन थोड़ा सख्ती बरते तो इस बीमारी पे कहीं ना कहीं निजात पाई जा सकती है। लेकिन यहाँ जिला प्रशासन की थोड़ी ढीलम पोल के चलते यहाँ लगातार जो देखने को मिल रहा है कि जैसे कि रणथंभौर रोड विज्ञान नगर पे एक पॉजिटिव पेशेंट मिला, उसकी मौत भी कल हो गई है। लेकिन उसके बाद जो कि इनको यहाँ क्वारंटाइन या और भी जो स्क्रीनिंग और टेस्ट करने थे उसके तहत जो फिलहाल जो प्रशासनिक गति है बिल्कुल धीमी देखने को मिल रही है। और साथ ही एक चीज है कि यहाँ पे जिला प्रशासन के नुमाइंदे सिर्फ खाना पूर्ति करते नजर आ रहे हैं कि न कि यहाँ पे जैसा कि सैंपल लेने के बाद और जो पेशेंट मिला कोरोना का और उसकी मौत हो गई तो जिस प्रकार की तत्परता उन्हें दिखानी चाहिए थी उन्हें इस तरह की प्रशासन की तत्परता नहीं दिख रही है। जी मनीषा। जी बिल्कुल लोकेश, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो देखिए आपको हर जगह से लगातार अपडेट हम दे रहे हैं किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, कहीं कहीं व्यवस्थाओं में लचरता भी देखने को मिल रही है, लेकिन खास बात यह है कि अभी भी लगातार जो चिकित्सा कर्मी है वो इस चुनौती को, इस जो जंग को लड़ने में लगे हुए हैं, लगातार मुस्तैदी से अपना काम कर रहे हैं। 213 लोग अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं कोरोना की चपेट में आकर और लगातार सूबे के मुख्यमंत्री अपडेट ले रहे हैं तमाम अधिकारियों से किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, क्या और करने की जरूरत है। तमाम चीजों का ख्याल खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रख रहे हैं। लगातार कोरोना के जो आंकड़े हैं वो प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं। 213 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। 9930 आंकड़ा पहुंच चुका है। आज 68 नए कोरोना पॉजिटिव प्रदेश में सामने आए। झालावाड़ में सबसे अधिक 23, 2 कोरोना पॉजिटिव बाहरी राज्यों से भी सामने आए। और अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता लोकेश ओला फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लोकेश, देखिए आंकड़े तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, किस प्रकार की व्यवस्थाएं इस बीच है, क्या नया सामने आ रहा है, क्या नई अपडेट?
जी बिल्कुल मनीषा, जिस तरह से लगातार प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं उसमें रिकवरी रेट लगातार बढ़ती नजर आ रही है। प्रदेश में जहां अब तक कोरोना के 9,930 कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं, तो वहीं 7,162 जो मरीज है वो ठीक हो चुके हैं। तो वहीं ठीक होने पर 6,551 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया। ऐसे में जो रिकवरी रेट है 70% से अधिक जो रिकवरी रेट है वो लगातार बढ़ गई है और प्रदेश सबसे अव्वल नंबर पर है, प्रदेश में एक नंबर पर है रिकवरी रेट में। जिस तरह से जो इलाज किया जा रहा है उसको लेकर भी जो संतुष्टि है वो लगातार बरकरार नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से जो केंद्र सरकार राजस्थान सरकार की ओर से बाकी और जो कदम उठाए गए हैं कोरोना संक्रमण के लिए वो काफी सराहनीय बताए जा रहे हैं। जिस तरह बात करें तो प्रदेश में अब तक कोरोना से 213 मरीजों की मौत हो चुकी है, लेकिन जिस तरह से मौतों का आंकड़ा भी देखा जाए तो ये केंद्रीय स्तर राष्ट्रीय स्तर के अनुपात में राजस्थान में बहुत ही कम जो मौतों का आंकड़ा है वो नजर आ रहा है। हालांकि जिस तरह से जो पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं उसके दर भी राजस्थान में केंद्र के अनुपात में बहुत कम है मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से देश भर में 8,000 से अधिक प्रतिदिन कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं उसमें राजस्थान में 200 से 250 के बीच में प्रतिदिन कोरोना के पॉजिटिव है वो सामने आ रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि राजस्थान सरकार कोरोना को लेकर सतर्क नजर आ रही है और उसको लेकर लगातार जिस तरह से भी जांच कैपेसिटी है वो बढ़ती नजर आ रही है। प्रदेश में अब तक जांच कैपेसिटी जो क्षमता है वो 20,000 के करीब पहुंच चुकी है और उसको जल्दी 2 या 3 दिन के अंदर 25,000 कर दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से चिकित्सा विभाग ने जब कोरोना का जो प्रदेश में पहला जो केस आया था उस समय 0 जांच कैपेसिटी थी उसको बढ़ाकर 20,000 कर दिया गया है अब तक, तो वो एक अच्छी खबर कही जा सकती है प्रदेश के चिकित्सा महकमे के लिए, एक अच्छी बात कही जा सकती है। साथ ही साथ चिकित्सा विभाग ने जिस तरह से कोरोना का जो संक्रमण चल रहा है या फिर अन्य बीमारियों का जो लगातार बढ़ता नजर आ रहा है इसको देखते हुए 2,000 MOA की मेडिकल ऑफिसर की जो वैकेंसी फिर से निकाली गई है, ताकि जो दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र में भी कोरोना का जो प्रकोप बढ़ रहा है अन्य बीमारियों का बढ़ता जा रहा है उसको लेकर कंट्रोल किया जा सके, चिकित्सा सुविधाएं जो ग्रामीण लेवल पर अच्छे से पहुंच सके उनको लेकर भी चिकित्सा लगातार सतर्क नजर आ रहा है। जी बिल्कुल लोकेश, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो हमारे संवाददाता लोकेश ओला ने आपको सभी अपडेट दी राजधानी में किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, किस प्रकार से जो कोरोना की जंग है उसको लड़ने के लिए सब आगे आ रहे हैं।